बेस्ट वे टू यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुफियान ज़ुल्फ़िकार। अगर आप जानना चाहते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को बेस्ट वे में किस तरह सीखा जाए, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो का मेन पर्पस क्या है, या फिर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो का पर्पस एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। एप्लीकेशन को बिल्ड करने का मतलब एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन बिल्ड करने के आगे दो टाइप्स आती हैं, ऐप डेवलपमेंट, ऐप डिज़ाइन। ऐप डिज़ाइन को यूआई भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेस्ट वे में एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरह सीखा जाए। एंड्रॉयड स्टूडियो को बेस्ट वे में सीखने का तरीका यही है कि स्टेप बाई स्टेप इसको सीखा जाए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट 10वें स्टेप पर जाकर या फिर बड़े वाले स्टेप पर जाकर जंप लगाते हैं, जैसा कि लॉगिन सिस्टम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। उसकी ये डिसएडवांटेज है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं बन पाता, या फिर उन्हें एंड्रॉयड स्टूडियो मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें बेसिक लेवल का नहीं पता होता। आप मेरे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आपको एक बेस्ट वे में एंड्रॉयड स्टूडियो सिखाया जाएगा। जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, या फिर कुछ जो चीज़ें आपको सारी तो नहीं बता सकते, छोटी सी वीडियो में सारी बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें जो मेन चीज़ें ये हैं कि सप्लाई स्क्रीन क्या होती है, सप्लाई स्क्रीन कहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद यूआई किस तरह डिज़ाइन करेंगे, ऐप डेवलपमेंट किस तरह की जाएगी, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फ्रेगमेंट्स क्या होती हैं, नोटिफिकेशन किस तरह लाए जाएंगे, थंबनेल के जरिए किस तरह हम एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं, या फिर फेस डिटेक्शन के थ्रू किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत सारी इसमें इस तरह सेंसर्स वगैरह आ जाते हैं, जिस तरह हम कीबोर्ड डिटेक्शन करते हैं, वो सारे सेंसर हैं हमारे पास, और इसमें बहुत सारी चीज़ें एंड्रॉयड स्टूडियो में इंशाल्लाह आपको बिगिनिंग लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी। बस आपने काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।